दोस्तों, अगर आप भी अपना आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और उसके बाद IIBF का जो एग्ज़ाम होता है उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर IIBF का जो एग्ज़ाम होता है उसके प्रश्नों की एक और सीरीज लेके आए हैं जो आपके IIBF एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही सहायक होगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी का IICT इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने सहयोगियों को जो IIBF का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको भी वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, जमा खातों के मामले में नामांकन बैंक ओवर बैलेंस को संभालने में बैंक की मदद कर सकते हैं, निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा उपयुक्त विकल्प चुनें। तो जमा खातों के मामले में जो नामांकन बैंक होता है वो मृत ग्राहक द्वारा व्यक्ति को उपकरण देने के रूप में मदद कर सकते हैं। क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी दर। अस्थायी दर यानी जो घट जिसकी कोई सीमा नहीं होती अस्थायी दर कहलाती है, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो अस्थायी दर के रूप में सत्य नहीं है, वार्षिक आधार पर ब्याज दर में परिवर्तन होता है। जो परिवर्तन होता है वो ब्याज दर में परिवर्तन होता है, वो सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तत्काल भुगतान सेवा जिसको IMPS कहते हैं, अंतर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ATM, क्रेडिट कार्ड। तो जो IMPS का फंड ट्रांसफ़र होता है IMPS सिस्टम द्वारा, वो मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग दोनों से होता है, इसलिए ऑप्शन एक और दो सही है। अगला क्वेश्चन है, सहकारी बैंक के विभिन्न प्रकार हैं, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। तो सहकारी बैंक के जो विभिन्न प्रकार हैं उनमें से जो जिला केंद्रीय सहकारी बैंक होता है वो हमारे देश में निम्नलिखित में जो दिए गए हैं उनमें से एक नहीं है। नेक्स्ट, बैंक एक संस्था है जिसे से जमा करना होता है और पैसे उधार। तो बैंक एक जमा संस्था है जिसे समाज के सभी सदस्य या जनता, ये ऑप्शन होगा जिसको दिया जाता है पैसा उधार। अगला क्वेश्चन है, सामान्य आवर्ती जमा में 2 वर्ष के लिए जमाकर्ता बनाता है। तो सामान्य जमा आवर्ती में 2 वर्ष के लिए जमाकर्ता बनाता है निश्चित राशि का मासिक जमा। जो निश्चित राशि फिक्स होकर महीने के हिसाब से जमा होती है वो सामान्य आवर्ती जमा में 2 वर्ष के लिए जमाकर्ता बनाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से PM जनधन योजना के व्यापक उद्देश्य थे। क्या व्यापक उद्देश्य थे? यूनिवर्सल एक्सेस बैंकिंग सुविधाएं, ये भी थे। वित्तीय साक्षरता, ये भी थे। नगद रहित अर्थव्यवस्था, ये भी। और सामाजिक सुरक्षा, ये भी। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1, 2 और 3 केवल, 2, 3 और 4 केवल, 1, 2, 1, 3 और 4 केवल। तो इसमें डी नंबर का ये सारे ऑप्शन ये व्यापक उद्देश्य हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बैंक के मुख्य कार्यों में शामिल, तो बैंक के मुख्य कार्यों में शामिल क्या है? केवल जमा लेने वाला, केवल लीजिंग, केवल निधि अंतरण, ए और सी। तो जो बैंक के मुख्य कार्यों में से शामिल, तो बैंक का मुख्य कार्य होता है केवल जमा लेने वाला और निधि का अंतरण या प्रेषण, यानी ऑप्शन
डी ए और सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बैंकिंग माध्यम से आईटी सक्षम वित्तीय समावेशन पत्र व्यवहार के साथ संबंध नहीं है? तो ग्रामीण जनता की सेवा के लिए उच्च वितरण तटों को बढ़ाना, ये आईटी सक्षम वित्तीय समावेशन पत्र व्यवहार के साथ संबंध नहीं है इसका। अगला क्वेश्चन है, क्या पीएमजेडीवाई के तहत खोला गया बैंक खाता धारक का अनुरोध के अनुसार बैंक की किसी भी शाखा में अंतरित किया जा सकता है? तो जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता खोला गया है उसे शहर या अन्य राज्य बैंक की किसी भी शाखा में किसी भी स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अगर कोई चाहे खाता ट्रांसफ़र करना तो वो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SSA का अर्थ है, SSA का पूरा नाम हिंदी में होता है उप सेवा क्षेत्र, सब सर्विस एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंरक्षित पूरक डेटा सेवा USSD समाधान काम करेंगे? तो जो USSD होते हैं वो होते हैं *99# डायल करके, वो USSD कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालू खाते और बचत खाते भी जाना जाता है, तो चालू खाते और बचत खाते डिमांड डिपॉजिट्स के नाम से भी जाने जाते हैं, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे लोग जिनके पास इनमें से कोई आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज नहीं है छोटे खाते खोल सकता है उन बैंकों के साथ जहां खातों में शेष राशि होनी चाहिए किसी भी समय से अधिक, कितने से अधिक, 50,000 से अधिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बैंकिंग संवाददाता के रूप में कार्य कर सकता है? तो जो बैंकिंग संवाददाता यानी BC जिसको कहते हैं वो सरकारी कर्मचारी के जो होगा वो कार्य नहीं कर सकता, सरकारी कर्मचारी BC नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सावधि जमा रसीदें के संबंध में सत्य है? तो सावधि जमा रसीदों के संबंध में यह निर्गम की शाखा में देय है, इनमें से यह निर्गम की शाखा में देय है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI एक है, तो जो SBI होती है वो एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होता है, क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वर्तमान पता मुद्रित के पते से भिन्न है आधार कार्ड पर तब क्या होगा, यानी जो निवासी है उसका पता वर्तमान पते से भिन्न होगा तब आधार कार्ड के विवरण को खोले गए खाते से जोड़ना, यानी आधार कार्ड के विवरण को खोले गए खाते से जोड़ा जाएगा अगर भिन्न होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BPL का मतलब, तो BPL का क्या मतलब है, BPL का मतलब होता है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले, तो उनको BPL कहते हैं, ये ऑप्शन सी डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जमा राशि जमाकर्ता को ब्याज की अधिकतम राशि एक वर्ष के लिए होता है? तो जो त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज होती है उसके साथ जमा, ये एक वर्ष के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, BC के लिए क्या करें और क्या ना करें शामिल है? तो जो BC के लिए क्या करें क्या नहीं करना चाहिए, ग्राहक जानकारी की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए, स्थानीय राजनीति में गैर भागीदारी रखनी चाहिए, किसी विशेष जाति या पंथ से संबद्धता के बिना कार्य करना चाहिए, ये सारे ऑप्शन सही हैं, ये ऊपर के डी ऊपर के सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा PMJDY मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करने के लिए एक सुधार है? तो ग्राहक मोबाइल बैंकिंग सेवा का लाभ उठा सकते हैं सामान्य फ़ोन से, यह एक सुधार होना चाहिए। नेक्स्ट, BF या BC मॉडल के तहत KYC अनुपालन एकमात्र की जिम्मेदारी है? तो जो KYC अनुपालन बैंक की शाखाओं की एकमात्र जिम्मेदारी है करने की, KYC बैंक ही कर पाएगी। अगला क्वेश्चन है, किसान क्लब जमीनी स्तर पर सूचना मंच द्वारा आयोजित है? तो किसान क्लब जमीनी स्तर पर सूचना मंच द्वारा आयोजित है,
इसमें क्या होना चाहिए, बैंकों की ग्रामीण शाखाएं होनी चाहिए जो ग्रामीण किसान क्लब जमीन स्तर पर शामिल होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है व्यापार संवाददाताओं जिनको बीसी कहते हैं के संबंध में। तो जो बीसी होते हैं वो लोग खाता खोल सकते हैं और निकासी कर सकते हैं बीसी के माध्यम से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवाईसी मानदंडों पर दिशा निर्देश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो केवाईसी मानदंडों पर दिशा निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से जारी किए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था IIBF एग्ज़ाम के प्रश्नों का एक संकलन। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।